नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, जून के 11 से लेकर 20 जून तक के कुछ महत्वपूर्ण 30 एमसीक्यूज के बारे में एक वीडियो आपके लेकर आए हैं। अगर आपने इससे पहले हमारा 1 से लेकर 10 जून का वीडियो नहीं देखा है तो इस आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे घटना चक्र मैगजीन के करंट अफेयर्स के अगर जनवरी से लेकर जून तक के आपने वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप इस आई बटन पर जाकर उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं जिसमें आपके एमसीक्यूज, सार संग्रह और एक्सप्लेन वीडियो आपको वहां पर मिल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो हम लेकर आए आपके लिए 11 से लेकर 20 जून 2020 तक के कुछ महत्वपूर्ण 30 एमसीक्यूज लेकर आए हैं। अगर आप डेली करंट अफेयर्स नहीं पढ़ पा रहे हैं या आपने कोई मिस कर दिया आपने या आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हैं डेली के, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए जिसमें आप 11 से लेकर 20 जून की जो 30 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे विद इंपॉर्टेंट फैक्ट। पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि जब भी हमारा अगला वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में FSSAI ने खाद्य सुरक्षा सूचकांक में किस राज्य को प्रथम स्थान दिया है? खाद्य सुरक्षा सूचकांक में इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, गुजरात। हाल ही में FSSAI ने खाद्य सुरक्षा सूचकांक में गुजरात को पहला स्थान दिया है। FSSAI जिसके वर्तमान में चेयरपर्सन है रीता टेवटिया और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिनकी हाल ही में नियुक्ति हुई है अरुण सिंघल। यह जो एजेंसी है यह मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करती है। इसकी स्थापना अगस्त 2011 में हुई थी। इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं, हाल ही में FSSAI के अनुसार खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों में गुजरात ने टॉप किया है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो चंडीगढ़ ने इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है और छोटे राज्यों में गोवा सबसे ऊपर है। इस सूची में बड़े राज्यों में गुजरात पहले स्थान पर है, वहीं तमिलनाडु और महाराष्ट्र दूसरे और तीसरे स्थान पर है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक हाल ही में जारी किया गया था। यह खाद्य सुरक्षा सूचकांक की दूसरी सूची है जिसे जारी किया गया था और यह विश्व स्वास्थ्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर जारी की गई थी ये सूची। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, हाल ही में कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत का कौन सा शहर प्रवासियों के लिए रहने के लिए सबसे महंगा शहर है? कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है, मुंबई। मुंबई शहर कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर है रहने के लिए। हम एक लिस्ट देखते हैं, वैश्विक स्तर पर देखा जाए सबसे महंगा शहर कौन सा है जो प्रवासियों के रहने के लिए, तो वो है हांगकांग, सबसे महंगा शहर है विश्व में। उसके बाद नंबर दो पे आता है एस्केबेट, इसका नाम है एस्केबेट जो कि तुर्कमेनिस्तान का शहर है, वो सबसे महंगा है। पहले स्थान पर हांगकांग है, दूसरे स्थान पर एस्केबेट है और तीसरे स्थान पर टोक्यो जापान है। इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं, मर्सर जो कि एक सर्वे एजेंसी है जिसने हाल ही में सर्वे जारी किया है कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे, जिसमें भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई प्रवासियों के लिए रहने खाने के लिए सबसे महंगा शहर है, जो कि वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो मुंबई को 60वां स्थान प्राप्त हुआ है और एशिया के अंदर 19वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूची में पहले स्थान पर हांगकांग है, दुनिया का सबसे महंगा शहर जो प्रवासियों के रहने के लिए है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य ने गोवध पर रोक लगाने हेतु एक अध्यादेश को मंजूरी दी है? उस राज्य का क्या नाम है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में 65 वर्ष पुराने राज्य के गोवध अधिनियम में संशोधन के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दी है। इसके लिए राज्य मंत्रिमंडल ने 9 जून को गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी है। इस संशोधन के अनुसार अब जो लक्ष्य उसका रखा गया है वो यही है कि गाय की रक्षा करना और गोवध से संबंधित अपराधों को रोकना है। नए नियमों के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति गोवध करता हुआ पाया जाता है तो उसे अधिकतम 10 साल की सजा भी दी जाएगी, उसके साथ 5 लाख रुपए का जुर्माने का भी लगाया जाएगा उसके ऊपर। ठीक है, तो हाल ही में गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश पारित किया है उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया है? नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, रंजीत कुमार। हाल ही में रंजीत कुमार को नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। ये इनका फोटो है, रंजीत कुमार जो कि नासा के एक विशिष्ट लोक सेवा पदक से इनको नवाजा गया है। इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं, एरोस्पेस के क्षेत्र में उद्यमी रंजीत कुमार को हाल ही में नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। वह दक्षिणी राज्य केरल से हैं।
रंजित कुमार को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के उन्नत बनाने के लिए उनके योगदान के लिए उनको सम्मानित किया गया था। उन्हें पुरस्कार जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं, यानी कि वह ये पुरस्कार पाने वाले दूसरे भारतीय हैं आज तक के। इससे पहले यह सम्मान पाने वाले भारतीय R.K. चेटी पंडिपति थे, जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह पुरस्कार प्राप्त किया था। नासा, जिसका पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके मुख्य प्रशासक हैं जिम ब्रिडेनस्टाइन का नाम है। नासा का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के Washington DC में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पंचवटी योजना की शुरुआत की है? पंचवटी योजना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंचवटी योजना शुरू की है। इस योजना को राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित वरिष्ठ नागरिकों पर ध्यान देने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। पंचवटी योजना के तहत सरकार महत्वपूर्ण सुविधाओं के साथ साथ सभी विकास खंडों के उद्यान और पार्क विकसित करेगी। इन सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को ग्रामीण विकास विभाग की मनरेगा योजना के तहत विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो हाल ही में पंचवटी योजना को लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में QS वर्ल्ड रैंकिंग 2020 जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार पहले स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी है पूरे विश्व में? QS वर्ल्ड रैंकिंग 2020 के अनुसार इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। QS वर्ल्ड रैंकिंग 2020 में पहले स्थान पर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, इस QS वर्ल्ड रैंकिंग 2020 में 21 में अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे MIT कहते हैं, ने लगातार नौवे साल पहला स्थान प्राप्त किया है, जबकि स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर रही। ये सभी अमेरिकी यूनिवर्सिटीज हैं। पांचवा स्थान UK की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को मिला है। भारत की ओर से IIT बॉम्बे शीर्ष पर रहा। भारत के जो संस्थान की बात की जाए तो उसमें शीर्ष पर IIT बॉम्बे रहा है और ये ओवरऑल रैंकिंग में 172वें स्थान पर रहा है पूरे विश्व में। इस वर्ष इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी IISc बेंगलुरु को 185वें स्थान मिला है। IIT दिल्ली 193वें स्थान पर है। IIT मद्रास 275वें पे, IIT खड़गपुर 314वें पे, IIT कानपुर 350वें पे, IIT रुड़की 383 पे और IIT गुवाहाटी 470वें स्थान पर है। ये भारत के जो संस्थान है ये वर्ल्ड रैंकिंग में किस स्थान पर है वो इनके आगे लिखा हुआ है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में बंदे उत्कल जननी को किस राज्य ने राज्य गान का दर्जा दिया है? बंदे उत्कल जननी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने हाल ही में बंदे उत्कल राज्य गान का दर्जा दिया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। ओडिशा के मंत्रिमंडल ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बंदे उत्कल जननी को ओडिशा गान का दर्जा दिया है। इस एंथम को 1912 में कांता कवि लक्ष्मीकांता महापात्रा द्वारा लिखा गया था। वर्ष 1994 में ओडिशा की विधानसभा के प्रत्येक सत्र के अंत में बंदे उत्कल जननी गाने के लिए निर्धारित किया गया था। तब से इसे राज्य का गान बनाने की मांग की जाती रही थी। इस गीत में ओडिशा की महिमा और प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया किसे से इसे सम्मानित किसे किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है, शोभा शेखर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, शोभा शेखर इनका नाम है। ऑस्ट्रेलियन ऑनर ऑफ इंडियन म्यूजिशियन है ये और भारतीय संगीतकार और ऑस्ट्रेलिया के कलाकृति संगीत संगठन की संस्थापक शोभा शेखर को हाल ही में मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। उन्हें समुदाय और देश के लिए उनकी सेवा के लिए मेडल ऑफ द ऑर्डर के लिए चुना गया है। मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में समुदाय या वैश्विक अथवा घरेलू स्तर पर किए गए उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। इसके अलावा यह ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों और अन्य व्यक्तियों को उपलब्धि या मेधावी सेवा के लिए मान्यता देने के लिए स्थापित एक शिष्टाचार सम्मान है। चलते अगले क्वेश्चन में, हाल ही में कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों में भारत में सबसे महंगा शहर कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है, मुंबई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रशांत महासागर के सबसे गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली महिला कौन है? प्रशांत महासागर के सबसे गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली
इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है, कैथी सुलिवन इनका नाम है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, कैथी सुलिवन यह एकमात्र ऐसी महिला है पृथ्वी के सबसे गहरे पॉइंट को छूने वाली, उसके अलावा नासा की एस्ट्रोनॉट भी हैं कैथी सुलिवन। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इनके बारे में, कैथी सुलिवन इतिहास में एक पहली महिला बन गई हैं जो महासागरों के सबसे गहरे बिंदु जिसे मारियाना ट्रेंच में चैलेंजर डीप या चैलेंजर गर्त कहा जाता है, जो सबसे गहरा बिंदु है महासागरों में। उसके अलावा कैथी सुलिवन वर्ष 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला अमेरिकन महिला भी हैं। इस उपलब्धि के साथ दोनों जगह में ऐसा करने वाली वो विश्व की एकमात्र महिला बन गई हैं जिन्होंने सबसे पहले अंतरिक्ष में सैर की हो और फिर सबसे पहले समुद्र के सबसे गहरे बिंदु तक पहुंची हो। प्रशांत महासागर की सतह से चैलेंजर डीप जो है वो लगभग 11,000 मीटर नीचे है। अभियान को लिमिटिंग फैक्टर वाहन मैकेलेडन ओशनिक के रिंग ऑफ फायर अभियान के एक भाग के रूप में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा द्वारा जारी रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर बना हुआ है? फीफा द्वारा जारी रैंकिंग, फुटबॉल की रैंकिंग जारी करती है फीफा, जो कि फुटबॉल की एक संस्था है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है बेल्जियम। बेल्जियम इस सूचकांक में पहले स्थान पर है फीफा द्वारा जारी रैंकिंग में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं यहाँ पर लिस्ट देखिए आप, सबसे पहले स्थान पर बेल्जियम है, दूसरे स्थान पर फ्रांस है जो कि वर्ल्ड चैंपियन है लेकिन अभी फिलहाल वह दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है ब्राजील। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, इस सूची में बेल्जियम पहले स्थान पर है फीफा द्वारा जारी रैंकिंग में, जबकि दूसरे स्थान पर फ्रांस है जो कि विश्व चैंपियन है, तीसरे स्थान पर ब्राजील है। भारत की अगर बात करें तो भारत ने फीफा रैंकिंग में अपना 108वां स्थान बरकरार रखा है। पिछली बार भी भारत का 108वां स्थान था और इस बार भी भारत का 108वां स्थान ही है। हाल ही में कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर फीफा विश्व कप और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य प्रमुख खेलों के लिए क्वालिफायर टूर्नामेंट स्थगित कर दिए गए हैं। अगर फीफा के मुख्यालय की बात करें तो फीफा का मुख्यालय ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में स्थित है और फीफा के अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं चीफ हैं जियानिनी इन्फेंटिनो, इनका नाम है जियानिनी इन्फेंटिनो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने उच्च शिक्षा संस्थानों के भारत रैंकिंग 2020 में पहली रैंक हासिल की है? उच्च शिक्षण संस्थानों में और भारत रैंकिंग दो, जो भारत के द्वारा जारी की गई रैंकिंग है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास को पहला स्थान मिला है भारत रैंकिंग 2020 के अंदर उच्च शैक्षणिक संस्थानों में। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास ने विभिन्न श्रेणियों में उच्च शिक्षा संस्थानों में भारत रैंकिंग 2020 में पहली रैंक हासिल की है। विभिन्न श्रेणियों में उच्च शैक्षणिक संस्थानों की भारत रैंकिंग 2020 में रमेश पोखरियाल निशंक जो कि एमएचआरडी मिनिस्टर ने हाल ही में उन्होंने यह सूची जारी की थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में पहला भारत का स्थान क्या रहा है? पहले तो आपको यही देखते हैं हम कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है भारत का इसमें 168वां स्थान है। अब हम देखते हैं कि सूचकांक में पहले स्थान पर कौन है। येल विश्वविद्यालय ने हाल ही में द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी किया है जिसमें प्रथम स्थान पर रहा है डेनमार्क देश। ठीक है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक पहले स्थान पर है डेनमार्क। भारत की अगर हम बात करें तो 180 देशों में से भारत का 168वीं रैंक है भारत की। 2018 में जब ये सूचकांक जारी किया गया था उसके अंदर भारत का 177वीं रैंक थी जो कि वर्तमान में 168वीं रैंक भारत की हो गई है। इस सूचकांक की बात हम ये करें तो अफगानिस्तान को छोड़कर सभी दक्षिण एशियाई देश भारत से आगे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिचर्ड डॉकिन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? रिचर्ड डॉकिन अवार्ड से, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है जावेद अख्तर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, इनका फोटो है जावेद अख्तर यहां पर। हाल ही में जावेद अख्तर यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने हैं, रिचर्ड डॉकिन अवार्ड जिसे कहते हैं। इससे पहले बिल मेहर और क्रिस्टोफर हिचेंस को यह पुरस्कार मिल चुका है। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार को साल 2003 से दिया जा रहा है जो कि एक ब्रिटिश विकासवादी जीव विज्ञानी रिचर्ड डॉकिंस के नाम पर दिया जाता है। इस वर्ष ये पुरस्कार पाने वाले भारतीय हैं और पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार पाया है, जावेद अख्तर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है जिनकी सेवा में एक वर्ष का विस्तार कर दिया गया है? अटॉर्नी जनरल भारत के, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है के वेणुगोपाल। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, ये है के वेणुगोपाल भारत के अटॉर्नी जनरल हैं।
भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को 1 साल का सेवा का विस्तार उनको दिया जाएगा। उनका कार्यकाल 30 जून को समाप्त होने जा रहा है। उन्होंने 30 जून से परे देश के शीर्ष विधि अधिकारी रूप में कार्य सेवा देने के सरकार के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है और अब वह 1 साल तक के लिए इस पद पर और बने रहेंगे। वह देश के एक प्रमुख वकील हैं जिन्हें अटॉर्नी जनरल के रूप में 30 जून 2017 को मुकुल रोहतगी के स्थान पर उनको नियुक्त किया गया था। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला गैस ट्रेडिंग एक्सचेंज किसने लॉन्च किया है? गैस ट्रेडिंग एक्सचेंज, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है, धर्मेंद्र प्रधान। फोटो आप देख सकते हैं धर्मेंद्र प्रधान। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने पहला गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म का उद्घाटन भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इंडियन गैस एक्सचेंज ऑनलाइन और गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की सहायक कंपनी के रूप में कार्य करेगा और इसे जुलाई 2020 में लॉन्च किया जाएगा। यह प्राकृतिक गैस की भौतिक डिलीवरी के लिए पहला ऑनलाइन गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होगा। इस प्लेटफॉर्म में प्राकृतिक गैस का व्यापार रुपयों में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस नदी में 500 वर्ष पुराना एक जलमग्न मंदिर मिला है? कौन सी नदी में, उस नदी का क्या नाम है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है, महानदी। हाल ही में महानदी के अंदर 500 वर्ष पुराना एक जलमग्न मंदिर मिला है। इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं, पुरातत्व सर्वेक्षण टीम ने हाल ही में दावा किया है कि महानदी के पानी में एक डूबा हुआ 500 साल पुराने मंदिर का खोजा गया है। बाढ़ के कारण 150 साल के अपने मार्ग को बदलने वाली महानदी ने पद्मावती गांव के स्थित इस मंदिर को डुबो दिया था। इस क्षेत्र में 22 से अधिक गांव हैं महानदी के पानी में डूबे हुए हैं। हालांकि गोपीनाथ देवा मंदिर दिखाई दे रहा था क्योंकि सबसे ऊंचा था। और यह नदी जो है वो ओडिशा और छत्तीसगढ़ के होकर बहती है। प्रसिद्ध हीराकुंड बांध इस नदी पर ही बना हुआ है। हीराकुंड बांध दुनिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध भी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राजा परबा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? राजा परबा त्योहार, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है, ओडिशा। हाल ही में ओडिशा में मनाया गया है राजा परबा त्योहार। आप यहां फोटो देख सकते हैं, राजा पर्व। ओडिशा राज्य में राजा पर्व हाल ही में मनाया गया है। यह त्योहार 3 दिन की अवधि के लिए मनाया जाता है एवं मानसून की शुरुआत को चिन्हित करता है और पृथ्वी की स्थित्व की शुरुआत का जश्न भी मनाता है। राज्य के सभी कृषि कार्य होते हैं उनको 3 दिन के लिए निलंबित कर दिया जाता है, जैसे कि जुताई है या बुवाई को मासिक धर्म के दिनों में पृथ्वी के प्रति सम्मान को भुगतान करने के लिए इन 3 दिनों को रोक लगा दी जाती है। इस कार्य करने पर उस शुभ का मुख्य रूप से जो है वो पृथ्वी की नारित्व और मातृ पृथ्वी का है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? बिहार खादी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी को हाल ही में बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जाने माने अभिनेता है, फोटो आप देख सकते हैं इनकी। बिहार सरकार ने हाल ही में जाने माने अभिनेता पंकज त्रिपाठी को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। पंकज मूल रूप से बिहार के ही निवासी हैं। देश का सबसे बड़ा खादी मॉल पटना में स्थापित किया गया है। अभिनेता पंकज त्रिपाठी बिहार खादी और देश के सबसे बड़े खादी मॉल का प्रचार प्रसार करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य मनरेगा योजना अंतर्गत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य बन गया है? सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश मनरेगा योजना अंतर्गत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य बन गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत श्रमिकों को सबसे अधिक रोजगार मुहैया कराने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मनरेगा में राज्य की 57,000 ग्राम पंचायतों में 57,12,975 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है, जो देश में मनरेगा योजना के अंतर्गत कुल दिए गए कार्य का 18% है। इसके अलावा राज्य सरकार ने 7.93 करोड़ मानव दिवसों का सृजन भी किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रतिस्पर्धी सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? विश्व प्रतिस्पर्धी सूचकांक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है, सिंगापुर। हाल ही में सिंगापुर विश्व प्रतिस्पर्धी सूचकांक में पहले स्थान पर है। वहीं अगर भारत की अगर बात करें तो इस सूचकांक में भारत का 43वां स्थान है, पहले स्थान पर सिंगापुर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने हाल ही में यह सूचकांक जारी किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का चीन के साथ किस क्षेत्र में हिंसक संघर्ष हुआ था? भारत और चीन की सेना का
इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है, गलवान घाटी क्षेत्र में हाल ही में भारत और चीन की सेना का एक हिंसक संघर्ष हुआ था। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी क्षेत्र में हाल ही में 15 जून को भारतीय सेना का चीनी सेना के साथ एक हिंसक संघर्ष हुआ था। इस क्षेत्र में चीन की सेना ने वहां यथास्थिति बदलने की कोशिश की थी, जिससे दोनों पक्षों के बीच में एक हिंसक झड़प हुई थी और इसमें करीब भारत के 20 सैनिक जो शहीद हो गए थे। इन शहीदों में बिहार रेजिमेंट के 16वीं बटालियन के कमांडिंग अधिकारी कर्नल बी संतोष बाबू ने चीन के सैनिकों के साथ हिंसक संघर्ष में देश के लिए अपनी जान लगा दी थी। उल्लेखनीय है कि भारत में चीन से लगी सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी की है और यह गृह मंत्रालय के अधीन आता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बीसीसीआई के लोकपाल कौन है जिनका कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। बीसीसीआई जो कि क्रिकेट की सबसे बड़ी कंट्रोलिंग संस्था है भारत की, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, डीके जैन, जो कि बीसीसीआई के लोकपाल हैं डीके जैन। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश डीके जैन का भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में बतौर आचरण अधिकारी और लोकपाल के कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है। जैन को सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2019 में बीसीसीआई के पहले लोकपाल के रूप में उनको नियुक्त किया गया था। उनका कार्यकाल इस साल 29 फरवरी को समाप्त हो गया था, लेकिन उनका अनुबंध को वापस रिन्यू कर दिया गया है। अगर हम भारत के लोकपाल की बात करें तो भारत के पहले लोकपाल बने थे पिनाकी चंद्र घोष, पीसी घोष जिन्हें कहते हैं। बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली और भारतीय टीम के कोच हैं रवि शास्त्री। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश में होने वाली द्वितीय विश्व युद्ध के विजय दिवस परेड में हिस्सा लेगा। विक्ट्री डे परेड में हिस्सा लेने भारतीय सेना के तीनों अंग जाएंगे, वो किस देश में इसका आयोजन होना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है, रूस। भारत अपनी तीनों सेनाओं जिसमें कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना को रूस भेजेगा। मास्को जो कि रूस की राजधानी है वहां पर आयोजित होने वाली विजय दिवस परेड जिसमें जिसका आयोजन 24 जून को होगा, यह सैनिक वहां हिस्सा लेंगे। विक्ट्री डे परेड में हिस्सा लेने के लिए लगभग 75 से 80 कर्मी जो है भारत के वो मास्को जाएंगे जो कि रूस की राजधानी है। इससे पहले भारत की तीनों सेना इसमें भाग ले रही है, ये पहली बार है जब भारत की सेना तीनों सेना इसमें भाग ले रही है। इससे पहले 2015 में भारतीय सेना ने इस परेड में हिस्सा लिया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किसका गैर स्थायी सदस्य चुना गया है। गैर स्थायी सदस्य तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है, यूएनएससी। भारत हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक गैर स्थायी सदस्य चुना गया है। भारत को हाल ही में 8वीं बार आयरलैंड, मेक्सिको, नॉर्वे, केन्या इनके साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में उनको चुना गया है 2021-22 के लिए। भारत का कार्यकाल जनवरी 2021 से शुरू होगा। प्रत्येक वर्ष महासभा 5 गैर स्थायी सदस्यों का चुनाव करती है। हाल ही में चुनाव में भारत ने 192 वैध वोटों में से 184 वोट हासिल किए थे। अगर हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जिसे यूएनएससी कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस सेफ्टी काउंसिल कहते हैं जिसे, सबसे शक्तिशाली और संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संरक्षण इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसमें वीटो की शक्ति वाले 5 स्थायी देशों सहित 15 सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं इसमें, चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम यूके और अमेरिका, यह इसमें 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 गैर स्थायी सदस्य 2 साल के लिए चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कौन से स्थान पर है भारत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत अभी 9वें स्थान में है एफडीआई प्राप्त करने के मामले में। संयुक्त राष्ट्र के व्यापार एवं विकास सम्मेलन यानी कि अंकटाड जिसे कहते हैं, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने हाल ही में विश्व निवेश रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 में $51 अरब का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत ने हासिल किया है और दुनिया में वह 9वें स्थान पर रहा। वर्ष 18 में भारत को $42 अरब का एफडीआई प्राप्त हुआ था, तब भारत को 12वां स्थान प्राप्त हुआ था, लेकिन इस वर्ष भारत ने 9वां स्थान प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है। 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है, वोल्कन बोजकर इनका नाम है, जिन्हें हाल ही में 75वीं संयुक्त राष्ट्र जो राष्ट्र महासभा होगी उसका अध्यक्ष उनको चुना गया है। 75वीं यूएन जनरल असेंबली यानी कि यूएन कह सकते हैं इसको हम, जनरल असेंबली यानी कि
संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष चुने गए हैं, 75वें सभा के। इनका नाम है वोल्कन बॉजकिर और इनका सत्र जो होगा सितंबर 2020 से इनकी शुरुआत होगी। इस पद के लिए बॉजकिर ने संयुक्त राष्ट्र के 178 सदस्यों का समर्थन हासिल किया है। वर्तमान में महासभा के अध्यक्ष हैं तिजानी मोहम्मद बंदे, उनका स्थान अब ये लेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के संस्थापक संयुक्त राष्ट्र है और संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना 1945 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी भारतीय कंपनी 150 अरब डॉलर मार्केट कैप वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है हाल ही में, उस कंपनी का क्या नाम है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। मुंबई स्थित भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL हाल ही में 19 जून 2020 को 150 अरब डॉलर के मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। रिलायंस यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है और जिसके मुखिया हैं, इस चीफ हैं इस कंपनी के मुकेश अंबानी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 20 जून से शुरू होने वाली विशाल ग्रामीण कार्य योजना का क्या नाम है, जिसे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 20 जून को लॉन्च किया गया है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारत वापस आए प्रवासी श्रमिकों और गांव के लोगों को सशक्त बनाने और आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने एक व्यापक ग्रामीण सार्वजनिक कार्य योजना गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून को बिहार के, बहुत इंपॉर्टेंट आप नोट कर सकते हैं, बिहार के खगड़िया जिले के तेलीहार गांव और बेलदौर ब्लॉक से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से इस योजना को लॉन्च किया है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। यह योजना 5 अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री और संबंधित मंत्रालयों के केंद्र मंत्रियों की उपस्थिति में शुरू की जाएगी। 6 राज्यों के 116 जिलों के गांव सार्वजनिक सेवा और केंद्रों और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। इस योजना के अंतर्गत 125 दिन का जो यह अभियान चलेगा, जिसमें मिशन मोड पर इसको चलाया जाएगा। ठीक दोस्तों, आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगर आप चैनल पर नए हो तो पीडीएफ का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जहां आपको सारे पीडीएफ एक ही जगह पर मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।